मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्लाज ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने मनसापुर हनुमान मंदिर पर पहुंचकर दंडवत हनुमान जी के सामने आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के साथ साथ कहा कि हनुमान जी का ही आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उनका कर्तव्य है कि उन्होंने जो विश्वास किया है, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा की बात करें तो उनका प्रयास रहेगा कि वह मध्य प्रदेश का देश का भविष्य है। इतनी कोशिश करेंगे कि वह प्रदेश का वर्तमान कैसे और बने, यही उनका पहला प्रयास होगा। अंचल की लोकसभा की 4 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें भाजपा जीतेगी। पंजीकरण मंत्रालय भी दिया गया है, क्या कुछ उद्देश्य और इस मंत्रालय के जरिए मध्य प्रदेश को कहां तक ले जाने का विचार है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कृतज्ञ हूं कि हम पर विश्वास किया। रही बात नवीन नवकरणीय ऊर्जा की, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज वो इस मध्य प्रदेश का और देश का भविष्य है, तो मैं इतनी कोशिश करूँगा कि वो मध्य प्रदेश का वर्तमान बने, और वो कैसे बने इसके लिए आप सब लोगों के साथ बैठकर, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे मध्य प्रदेश को पहला स्थान बनाएं जो आज नहीं है, ये मेरी कोशिश रहेगी। अभी मुख्यमंत्री भी आए थे कल, उन्होंने कहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। विकास को कुछ एजेंडा आपने तैयार किया होगा आने वाले दिनों में? वहाँ पर भी कार्य योजना भी सीएम ने तैयार करने के लिए कहा है। कार्य योजना उन्होंने अगर कहा है तो ऐसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही उन्होंने जो एजेंडे में हम भी शामिल हैं कि वो हम सब बैठकर, और मुझे लगता है कि जल्दी से हमारे विभाग की समीक्षा बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, उसमें और विस्तार से काम करने का फैसले हो गए। दूसरी बात कि मुझे ज़्यादा कहने की आदत नहीं है, काम करने की ज़्यादा आदत है। जय भगवान की शरण में आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, बस इतना ही भर निवेदन है। ब्राह्मण फेस के नाते आप पे सरकार ने और संगठन ने आप पे विश्वास जताया है, क्या लगता है कितने कसौटी को उतारा? मैंने क्या कहा कि मुझे ये नहीं मालूम किस नाते से उतारा है उन्होंने, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मैंने भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो इतना बड़ा विश्वास किया है, मुझे भगवान इतनी शक्ति दें कि उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। मध्य प्रदेश में आज कई सीटों पर नगरीय निकाय सीटें ऐसी हैं और पंचायत सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है आज सभी सीटों जो उपचुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोकसभा में बीजेपी को मजबूती देंगे, कांग्रेस को मजबूती देंगे। ये तो अभी आपको देखने को मिलेगा, आज तो वोटिंग है, कल जब परिणाम निकलेंगे सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। लोकसभा की तस्वीर कैसे देख रहे हैं? 4 सीटें हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की, 4 सीटें जीत कर आएगी भारतीय जनता पार्टी।